नमस्कार। ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गले के दर्द को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी। गले में दर्द होना या फिर गले में खराश होना ये बहुत ही नॉर्मल या आम बात हो गई है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खा लेना या फिर बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खा लेना, मौसम के बदलाव के वजह से, प्रदूषण के वजह से, तो इनके बहुत सारे कारण हैं। गले में दर्द होना आजकल बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी में पाया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिनकी मदद से आप गले के दर्द को ख़त्म कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम देखेंगे। तो गले के दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको एक काढ़ा बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 4-5 काली मिर्च के दाने और 4-5 या 10-15 तुलसी के पत्ते। काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो तुलसी के पत्तों में भी एंटी बैक्टीरियल, ओमेगा-3 और फैटी एसिड होते हैं। ये दोनों ही बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत ही अच्छा माने गए हैं, इसलिए आपको इन दोनों को 1 कप पानी में लेकर अच्छे से उबाल लेना है। और जब इनका पूरा रस उस पानी में उतर जाए और वो पानी उबल कर आधा हो जाए, तब उस पानी का यानी उस काढ़े का आपको सेवन करना है। ऐसा आप दिन में एक बार कर सकते हैं। ऐसा करने से गले का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए हल्दी। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और बहुत सारे अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए आप हल्दी का सेवन गले के दर्द के लिए कर सकते हैं। आपको 1 गिलास में थोड़ा सा यानी आधा चम्मच हल्दी मिलाना है और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिलाना है। काली मिर्च में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब इस दूध को हल्का गुनगुना गर्म कर लेना है और उसके बाद दिन में 2 बार आपको इस दूध का सेवन करना है। हल्दी वाले दूध पीने की वजह से सर्दी, खांसी, गले में खराश, इन सब में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो इस उपाय को ज़रूर करके देखिए अगर आपके गले में दर्द है तो। इसके बाद मैं आपको और एक अच्छा सा उपाय बताती हूँ कि गर्म पानी में या गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर आपको दिन में 2 से 3 बार गरारे करने चाहिए। ऐसा करने से जितने भी बैक्टीरिया है गले के वो ख़त्म हो जाते हैं। और गरारे करने के बाद आपको कुछ भी ठंडा नहीं खाना चाहिए। गरारे करने के बाद चाहे तो आप थोड़ा सा गर्म पानी या गर्म चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनोखे उपाय गले के दर्द से छुटकारा पाने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।